स्टूडेंट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम टू IITians. बच्चों हीट ट्रांसफर के सारे कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें. इफ वी यूज 12 mm थिक स्पेशल ग्लास इन द विंडोज ऑफ अ रूम इंस्टेड ऑफ 3 mm थिक ऑर्डिनरी ग्लास then the temperature inside the room is higher than outside by 10 degree centigrade. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा है जो प्रैक्टिकल टाइप की बात कह रहा है. एक रूम ये है और वही रूम दोबारा बनाया जा रहा है. इस रूम में ऑर्डिनरी ग्लास लगा हुआ है, मटेरियल सेम है इसलिए ग्लास रेड कलर का हो. और यहाँ पे मटेरियल भी सेम है, ग्लास काफी मस्त तगड़ा वाला लगा हुआ है, मोटा ग्लास है, यानी कि ज्यादा खर्चा आएगा. ज्यादा खर्चा आएगा तो ज्यादा काम करेगा. ठीक है, यही लॉजिक है यहाँ पे. ये मत सोचिएगा कि मोटा ग्लास लगा देंगे तो वो अंदर टेम्परेचर बढ़ा देगा. हाँ, वो हीट लॉस को रोकेगा. कुछ भी एम्बियंट टेम्परेचर था, T0 एम्बियंट मतलब बाहर के वातावरण का जो टेम्परेचर था वो T0 था. सराउंडिंग्स का टेम्परेचर T0 था और अंदर का टेम्परेचर जो भी था वो T0 से 10 डिग्री कम था, है ना. T0 माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड यहां मेंटेन कर रहा है और T0 माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड यहां पे भी मेंटेन कर रहा है. लेकिन क्या है ना, यहां से हीट तब भी निकल के बाहर जाएगी, ये है Q1, और यहां से हीट तब भी निकल के बाहर जाएगी Q2. बट याद रखिएगा बच्चों, Q1 जो होगी वो ज्यादा जाएगी, पतला ग्लास जो है वो कम काम करेगा. इस तरह का ग्लास अगर आप लगा लेते हैं अंदर, मान लीजिए आप रूम हीटर लगाते हैं, तो वो रूम हीटर ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा T-10 डिग्री सेंटीग्रेड को मेंटेन करने के लिए. ये बात आपको समझनी है. तो यहां से Q1 निकलेगा, यहां से Q2 निकलेगा और दोनों का डिफरेंस हम लोग करके निकालेंगे. इस क्वेश्चन का बहुत जगह सॉल्यूशन दिया हुआ है ऑलरेडी प्रिंटेड फॉर्म में और वेबसाइट में HTML फॉर्म में, लेकिन सही से सॉल्यूशन ज्यादातर लोगों ने नहीं दिया है. तो हमेशा की तरह मैं बाकियों से ज्यादा अच्छा काम करूंगा. मेरा सॉल्यूशन आप देखिए और फिर अप्रिशिएट करिए. ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको ये समझना है, हीट लॉस दोनों में अलग अलग होगा लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस दोनों ही केसेस में हम लोग सेम मेंटेन करेंगे. ये अपना पुराना फॉर्मूला है. तो ये रहा Q1 और फिर उसके बाद आ जाता है Q2, KAT L θ1 - θ2. देखिए L1 और L2 अलग अलग है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, T यानी कि टाइम. तो टाइम दोनों जो है वो पर आवर की बात कर रहे हैं, तो टाइम दोनों का सेम है. तो जो जो अलग है वो मैं लिख देता हूं, Q1 Q2 अलग अलग है, Q1 Q2 हमें नहीं मालूम है. ठीक है, K दोनों को सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों के सेम है और टाइम टेकन दोनों का 1 आवर है. और फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग L1, लेंथ अलग अलग है, लेंथ यानी कि वही यहां पे अब थिकनेस की बात करेंगे. मैंने बताया था ये L1 है और ये L2 है ना, जब हम लोग ने वॉल वाला किया था. अच्छा, अब L1 आपको दिया गया है 3 mm और L2 आपको दिया गया है कितना, 12 mm. We use 12 mm instead of 3. तो 3 mm बेकार क्वालिटी की जगह अच्छी क्वालिटी इस्तेमाल करें, ये बात हो रही है यहाँ पे. और KAT L1 L2 सारी चीजें हो गई है. θ1 - θ2 दोनों ही केसेस में कितना है, θ1 - θ2 दोनों ही केसेस में 10 डिग्री सेंटीग्रेड है. K की वैल्यू दोनों में सेम है, 2×10⁻⁴ किलो कैलोरी पर सेकेंड पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम, 5 m². ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपनी वैल्यूज प्लग इन कर लेते हैं. के कितना है बच्चों,
टू इंटू टेन टू द पावर माइनस, आप क्यू वन माइनस क्यू टू करके डिफरेंस ले सकते थे, कॉमन ले सकते, ये सब भी काम कर सकते थे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ए है 5, टी है 1 आवर, तो 1 आवर को मैं लिखूंगा 3600 सेकेंड, क्योंकि पर सेकेंड की बात हो रही है यहाँ पे। और यहां पर आ जा रहा है L1 कितना है 3 × 10⁻³, है ना, और बस 10 अपना θ1 − θ2। एक को कर लेते हैं, दूसरे को तो हम लोग वैल्यू से ही समझ लेंगे कितना होगा। ओके, तो ये आ गया 1200, ठीक है। अब उसके बाद 2 5 10, है ना, 2 5 10, फिर 10, तो 10 × 10 100, तो 1200, 2 5 10, यहां पे भी आ गया 100, और यहां से आ गया 10⁻⁴, ऊपर चला जाएगा तो 10⁻³, समझ गए, ये 10⁻³ ऊपर चला गया 10⁻³। तो अब ये दो जीरो दो जीरो, ये 10⁻⁴ खा लेगा 12 × 1000, यानी कि 12000 के हमने किसमें लिया था, देख लेते हैं, किलो कैलोरी, बड़ी लंबी यूनिट होती है, पर सेकेंड, पर मीटर, पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये किलो कैलोरी में आया है के, तो Q1 भी अपना किलो कैलोरी में आएगा। अब आप जंपिंग मत करिए कि नहीं नहीं आपका आंसर गलत आ रहा है, अभी आप देखिए डिफरेंस की बात हो रही है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। हाउ मच हीट पर आवर विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग आउट, हाउ मच एक्स्ट्रा हीट पर आवर विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग आउट, ये बात आपसे पूछी गई है। तो अब देखिए Q2 में भी कुछ खास नया नहीं होगा, कि सब ऊपर देखो सब कुछ सेम रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3600 और 10, नीचे बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, L2 कितना है 12 mm, 12 × 10⁻³, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 300, है ना। तो Q2 अब हम लोग कितना है 2 5 10, 10 × 3, है ना, 300 लिख दो, चलो इसको ये 300 यहां लिख दिया, 2 5 10 × 10 100 लिख लिया, 10⁻⁴ लिख लिया, 10⁻+3 लिख लिया, ठीक है भाई। अब उसके बाद ये जीरो ये जीरो ये 10⁻⁴, तो 3 × 1000, है कि नहीं, Q2 अपना आ गया कितना 3000 किलो कैलोरी। अब बस यही मोटे ग्लास को लेने का फायदा यहां पे दिखेगा, एक्स्ट्रा हीट प्रिवेंटेड, ये हो जाएगा Q2 − Q1, और अरे उल्टा कर दिया भाई, Q1 − Q2, ठीक है ना, तो 12000 और 3000, ये आ जाएगा 9000 किलो कैलोरी, यही हमारा आंसर है 9000 किलो कैलोरी, है ना। तो बस ये हम लोगों ने कर लिया, दिस क्वेश्चन इज डन नाउ। बात आपको समझ में आई कि यार जब हम लोग 3 mm का ग्लास ले रहे थे तो L1 छोटा आ गया, तो हीट एस्केपिंग जो है कंडक्शन की वजह से जो हीट निकली जा रही वो ज्यादा आई, जब हम लोगों ने मोटा ग्लास लगाया तो L2 आपका बड़ा हो गया, उसकी वजह से Q2 छोटा हो गया, यानी कि कंडक्शन की वजह से जो हीट बाहर निकली जा रही थी वो हम लोगों ने कम कर दी, हीट एस्केप तो होगी, नहीं तो एसी बंद नहीं करने, एसी की बात थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, एसी तो ठंडा करता है ना, लेकिन अगर हम लोग ब्लोअर चला रहे हैं या कोई हीटिंग एलिमेंट चला रहे हैं, तो अगर हम लोग ऐसा परफेक्ट ग्लास लगा दे जो बिल्कुल हीट बाहर जाने ही नहीं दे, तब तो फिर हम लोग एक बार टेम्परेचर मेंटेन कर ले उसके बाद बिजली ऑफ कर दें, वो टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, किसी भी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर ये चीज करेंगे
तो बार बार गेट खुलता रहेगा, बार बार हीट ट्रांसफर होती रहेगी, और कितना भी अच्छा मटेरियल लगा दिया जाए बच्चों, हीट लॉस तो होगा ही होगा। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से कॉपी कर लीजिए और कमेंट्स में बताइए कि मेरा सॉल्यूशन बाकी इंटरनेट के अवेलेबल सॉल्यूशंस के मुकाबले कैसा है।